सुविधा चाहिए लेकिन पैसे खर्च नहीं करने हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गर्मियों में बिजली के संकट से पूरा प्रदेश जूझ रहा है। हल्द्वानी में लो वोल्टेज की समस्या ने लोगों का सिरदर्द बढ़ा दिया है। वहीं यूपीसीएल की छापेमारी में कई बिजली चोर पकड़े गए हैं। हल्द्वानी का बंधुलपुरा क्षेत्र बिजली चोरी की वजह से सुर्खियों में आ गया है। एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी में 66 मकान मालिकों के खिलाफ बिजली चोरी करने के आरोप में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली विभाग SI नवीन मिश्रा ने बताया कि UPCL की विजिलेंस सहित 3 टीमों ने बनभूलपुरा और गांधीनगर सहित कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर कांटा डालकर बिजली चोरी करते हुए लोगों को पकड़ा। इस दौरान कई घर ऐसे थे जहां AC भी लगे हुए थे, यानी AC खरीदने के लिए हजारों रुपए खर्च किए जा सकते हैं, लेकिन उसे चलाने के लिए बिजली का बिल देने के बजाय बिजली चोरी करनी है और फिर विभाग पर आरोप लगाने हैं कि बिजली की कटौती हो रही है या फिर वोल्टेज कम आ रही है। आज हल्द्वानी शहर में बिजली चोरी को रोकने के लिए हमारे विभाग द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें हल्द्वानी शहर के गांधीनगर, आज़ाद नगर, बनभूलपुरा क्षेत्र के लाइन नंबर 8, 17, 18 इत्यादि क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। इसमें हमारे विभाग की 3 टीमें, हमारी विजिलेंस टीम और भारी संख्या में पुलिस बल उपलब्ध था। चेकिंग अभियान के दौरान लगभग 67 नग मामलों में बिजली चोरी की घटनाएं हमको प्राप्त हुई हैं, जिनमें अभी वर्तमान में FIR करने की और जुर्माना इत्यादि तामील करने की कार्रवाई प्रगति पर चल रही है। और विद्युत चोरी की जहां जहां पर भी हमें सूचनाएं मिलेंगी वहां पर इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में भी नियमित अंतराल पर गतिमान रहेंगी। धन्यवाद।